नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब की आज के इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुशील कुमार पाठक जी। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर साहब के बारे में मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर साहब सीनियर कंसल्टेंट है पीडियाट्रिक्स और न्यूनेटोलॉजिस्ट में। तो डॉक्टर साहब से आज हमारा सवाल रहेगा कि बच्चों में होने वाला आस्थमा ये क्या है? देखिए, ब्रोंकियल आस्थमा को जनरल समझा जाए कि ये जो हमारा सांस का रास्ता है उसके निचले पार्ट में, बीच और निचले पार्ट में रुकावट, माने वो रास्ता सिकुड़ जाता है और ये रिएक्टिव होता है। मतलब ये एक जैसा नहीं रहता है समय के साथ। जैसे मान लीजिए किसी, जिस समय ये अटैक हो रहा है तो उस समय सांस का रास्ता सिकुड़ जाता है, जिससे कि बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होती है। तो बेसिकली इट इज़ ए डिजीज़ ऑफ एयरवे। तो अगर डॉक्टर साहब देखिए कि अगर बच्चों में हो रहा है तो बच्चों में सामान्य है, जैसे कि उन्हें बार बार बुखार होती है, अन्य कई समस्याएं होती हैं, तो क्या आस्थमा को सामान्य लिया जा सकता है? जी, आजकल जो हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो पोल्यूशन है, इससे आस्थमा के केसेस में डेफिनेटली बढ़ोतरी हो रही है। तो आस्थमा को निमोनिया या बाकी बीमारियों से थोड़ा अलग है। आस्थमा यूजली बिना बुखार के होता है, इट इज़ ए नॉन इन्फेक्टिव डिजीज़। लेकिन इसमें बाकी जो सांस की प्रॉब्लम, जैसे खांसी होना रात में, स्पेशली रात में खांसी होना या सांस फूलना, और जैसे जैसे ये सीवियर होते जाएगा वैसे वैसे इसकी सीवियरिटी बढ़ती जाएगी, मतलब बोलने में दिक्कत और कभी कभी तो लाइफ थ्रेटनिंग अटैक हो सकता है, इमरजेंसी में आ सकता है। तो सूखी खांसी बिना बुखार के और मौसम बदलते समय या किसी पर्टिकुलर एलर्जी से, धूल से, डस्ट से, यदि ये खांसी सर्दी बढ़ रही है तो ये आस्थमा के लक्षण हो सकते हैं। फिर अगर इलाज पर आ जाते हैं कि एक बच्चे को सही इलाज के लिए कैसे हम उन्हें ट्रीट कर सकते हैं, उनका इलाज कैसे करा सकते हैं? देखिए, आस्थमा को सबसे पहले है कि बच्चों में थोड़ा आस्थमा को डायग्नोज करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन यदि आप ये समझें कि घर में फैमिली हिस्ट्री है एलर्जी की, आस्थमा की, और बच्चे को बार बार सीजन चेंज के साथ यदि सर्दी खांसी हो रही है, स्पेशली रात की खांसी हो रही है, सूखी खांसी है, बिना बुखार की खांसी हो रही है, तो आमतौर पर देखा जाता है कि लोग अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स दे जा रहे हैं, दवाइयां दे जा रहे हैं। तो पहला काम है कि आप अपने डॉक्टर से मिलिए और डायग्नोसिस बनाइए। यदि आपकी डायग्नोसिस हो गई तो इलाज है, आज के डेट में बहुत अच्छा इलाज है, बहुत कम साइड इफेक्ट से इलाज है। तो पहला काम है आपको अपने डॉक्टर से पहले डायग्नोसिस कंफर्म कराइए और उसके बाद आप अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार से उसका पालन कीजिए। डॉक्टर साहब, आमतौर पर देखा जाए तो आस्थमा के लिए पंप दिया जाता है जी। और वही इन्हेलर बच्चों के लिए भी अगर यूज़ कर रहे हैं तो कई बार देखिए तो लोग जो है इन्हेलर लेने से कतराते हैं, क्योंकि अगर एक बार आदत हो गई तो वो लाइफ टाइम चलेगा। देखिए, ये तो एक मिथ है। मतलब मैं आपको ऐसे समझाऊं कि जो भी लोग बच्चों को खांसी का इलाज करते हैं वो इन्हेलर वाली दवा को सिरप फॉर्म में दे रहे हैं। जैसे आप सल्बुटामोल की बात कीजिए, वो आप कफ सिरप फॉर्म में दे रहे हैं, तो वहाँ पर आपके दिमाग में है कि वहाँ पर आदत नहीं पड़ रही। और उसी दवा को हम लोग इन्हेलर फॉर्म में 10 टाइम कम डोज में इन्हेलर फॉर्म में दे रहे हैं। तो आप ऐसे समझिए कि इन्हेलर से आपका दवा सीधे यहाँ से आपके फेफड़े तक जा रहा है, 1/10 डोज में काम कर रहा है, बहुत कम साइड इफेक्ट है। तो ये माइंडसेट चेंज करना होगा, ऐसा कुछ भी आदत नहीं पड़ रहा है। यदि आप आदत पड़ेगा तो आपको सिरप से भी पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आस्थमा का आजकल जो रिवोल्यूशनाइज हुआ है ट्रीटमेंट, इन्हेलर, मीडियम डोज इन्हेलर, इन लोगों का बहुत योगदान है। और मुझे लगता है इस दिमाग से निकाल दीजिए कि इससे आदत पड़ेगा। डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगी कि अगर छोटे बच्चों को ये समस्या हो रही है तो आगे क्या ये ठीक हो सकता है पूरी तरह से? देखिए, जैसे आस्थमा को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे 5 साल से नीचे, 6 से 11, 12 से ऊपर। तो प्रेडिक्ट किया जाता है जैसे आस्थमा हो रहा है, तो एकदम तो ये नहीं बोल सकते हैं कि नहीं है। लेकिन यदि जैसे आप लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, एनवायरनमेंट मॉडिफिकेशन करते हैं, तो ठीक हो सकता है। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये समझना है कि ये कंट्रोल हो सकता है। तो आजकल आस्थमा का इलाज ये नहीं है कि खाली इन्हेलर दे दीजिए और सिम्टम्स ठीक हो गया। आजकल आस्थमा का इलाज में पूरी बात होती है कि सिम्टम्स कंट्रोल प्लस क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूवमेंट
और प्लस भविष्य में इसके बार बार अटैक की संभावना को कम करना, क्योंकि यदि अस्थमा का अटैक बार बार होगा तो बाद में वो सीवियर लंग डिजीज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अस्थमा को कंट्रोल किया जा सकता है, और ठीक फ्यूचर का नहीं पता, लेकिन बहुत हद तक कंट्रोल हो सकता है, और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से इसमें बहुत अटैक में कमी आती है। इस दरमियान प्रिकॉशंस की अगर बात करिए तो क्या क्या लिया जा सकता है एक बच्चे के लिए? प्रिकॉशन में देखिए, जैसे यदि आप नोन केस हैं अस्थमा के, तो पहला काम है कि आपके डॉक्टर द्वारा सुझाई गई दवा का नियमित रूप से इस्तेमाल कीजिए, जब तक वो बोल रहे हैं उनके हिसाब से चलिए। दूसरा है इन्हेलर, जब भी आप डॉक्टर के पास मिलें तो इन्हेलर के साथ आएँ, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि इन्हेलर का डायग्नोसिस हो गया, मरीज में बार बार अटैक हो रहा है, इन्हेलर का टेक्निक ठीक नहीं है, इन्हेलर का कभी कभी डोज वहाँ पे डोज लिखा रहता है वो ख़त्म हो गया रहता है, फिर भी अननेसेसरी यूज़ करते रहते हैं। तो डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब दवा के लिए डॉक्टर से मिलिए इन्हेलर के साथ। दूसरा है कुछ सीजनल अटैक्स होते हैं, जैसे सर्दियों में इसके अटैक बढ़ जाते हैं, तो थोड़ा सा सर्दी से प्रिकॉशन लेना है। और यदि कोई एलर्जी है किसी चीज़ से, जैसे डस्ट हुआ या कोई पॉलेंस हुआ, अगरबत्ती, धूप, यदि इनसे यदि सेंसिटिव हैं तो वो उससे बचना है। यही सारे प्रिकॉशंस हैं। तो डॉक्टर साहब, जो आपने अस्थमा के बारे में बताया, जो खासकर बच्चों में जो देखा जा रहा है कि वो बढ़ता है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, थैंक यू। तो आप डॉक्टर सुशील कुमार पाठक को सुनाए थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ बच्चों में होने वाले अस्थमा के बारे में साझा किया है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है, कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।